आजर के मॉरिशस वाले प्रोजेक्ट के बाद जितनी भी रिमेनिंग टास्क हैं वो सब कैंसिल करते हैं जी। ये मैं आपसे कह रहा हूं, आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? अब वो सारे काम कोई और डायरेक्टर करेगा और शायद आजर हमारे साथ काम ना कर सके, आप समझ गए ना? और ख्याल रहे कि ये बात सिर्फ मेरे और आपके दरमियान है। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आइए बैठिए। हाउ आर यू मुराद? आई एम फाइन सर। गुड मिस मुनाल, मैंने आज आपको एक बहुत जरूरी बात करने के लिए यहां बुलाया। आज से आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पे काम करें। आई होप आपको इस पे कोई एतराज नहीं होगा। नो सर, एतराज तो नहीं है, लेकिन मिस सना ने कुछ जिम्मेदारियां दी हुई हैं जो पहले मुझे खत्म करनी होंगी। उनसे बात करके बता देती हूँ आपको। सना से तो तब बात होगी ना जब सना वापस आएगी। वो शहर में नहीं है? क्या आपको नहीं पता? हैरत है। मैंने सना से कहा भी था कि वो आजर को एक दो दिन में ज्वाइन कर ले, लेकिन ना वो मानी और ना आजर। अब जाहिर सी बात है, मैं कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता था ना। और वैसे भी उन दोनों के दरमियान आने की किसकी मजाक है। क्या मैं सना भी साथ गई? ऑब्वियसली सना के बगैर आजिर कहां जाने वाला, और ना ही वो उसे जाने वाला। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ होते। कॉलेज के जमाने से जानता हूं मैं इन दोनों को, कभी अलहदा ही नहीं हुए। बहुत सीरियस रिलेशनशिप है इनका। जॉब भी हमेशा एक साथ की और छोड़ भी एक साथ दी। वो तो ठीक है, लेकिन आसिफ सर ने तो अकेले जाना था, मिस सना का जाने का तो कोई प्रोग्राम नहीं था। ऐसे कहते हैं ये दोनों, आखिरी मोमेंट तक इन्होंने अपना प्लान नहीं डिस्कस किया। लेकिन मुझे तो पता था ना कि इन दोनों ने तो एक दूसरे के साथ ही जाना। बात बताइए मिस मनाज, आप सना के साथ फेसबुक फ्रेंड तो है ना? नो सर। तभी आपने ना तो उसका स्टेटस पढ़ा और ना ही उसकी एक्साइटेड पिक्चर्स देखी है। वेट अ मिनट, मैं आपको दिखाता हूं। वैसे मैंने उन दोनों को कहा था कि अभी दो दिन हैं उनके पास शूट स्टार्ट होने से पहले, तो वो मेरे फेवरेट स्पॉट पे जाके कुछ खाना वाना खाएं। तो मैं आपको दिखाता हूँ उनकी पिक्चर्स, बड़ी जबरदस्त किस्म की पिक्चर्स वैसे पोस्ट करती है हमेशा सारा।